अस्सलाम वालेकुम आज हम डिस्कस करें कैसे मेटल ऐप जो है हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर चीज़ों को सॉल्व करने में और उन्हें ग्राफिकल वे में समझने में मदद देता है जैसे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की तरफ हम चलते हैं द फॉलोइंग डेटा गिव्स द हाइट इन इंचज़ ऑफ ए सन फ्लावर प्लान एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डेज आफ्टर इट वॉज ये हमें एक सन फ्लावर प्लान का डाटा दिया गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी हाइट में कितना इजाफा होता है तो दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंटल डाटा द हाइट कैन बी मॉडल्ड बाय द लॉजिस्टिक फंक्शन इस हाइट को हम लॉजिस्टिक फंक्शन के जरिए भी मॉडल कर सकते हैं वेर एच इज फंक्शन ऑफ ए टी जैसे यहाँ पर देखें एक्सपीनेंशियल के साथ टी लिखा हुआ तो जो लॉजिस्टिक फंक्शन है ये हमारे पास फंक्शन की टाइप्स में से एक टाइप है जैसे एक्सपिनशियल फंक्शन होता है लॉब्रथमिक फंक्शन होता है इसमें मॉडलिंग के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो चीज़ें रिलेट होती हैं उसको हम लॉजिस्टिक फंक्शन के ज़रिए भी ख़ासतौर पर ग्रोथ के लिए इसे यूज़ किया जाता है ये जो फंक्शनिंग है या मॉडल बनाना है ये हम देखेंगे इनशाला इन शह हम एट सेमेस्टर में जिसके अंदर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन हमारा एक सब्जेक्ट होगा अभी जो हमारा काम है इन मॉडल्स को हमने यूज़ कैसे करना है और एग्जीक्यूट कैसे करना है वो हम देखते हैं तो इस फार्मूला के अंदर एच जो है वो हाइट जो इंचेस में है और टी जो है वो डेज़ में है यूनिट्स का थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए हो सकता है कि बस का इधर जो हाइट है वो फीट में हो और इधर हाइट इंचज में हो तो आपने फिर इसको कन्वर्ट भी करना होता है ओके okay, हमने करना गया अ प्लॉट ऑफ द हाइट वर्सेस टाइम सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है द फिगर शुड शो द डाटा फ्रॉम द टेबल बॉफ कि जो फिगर होगी उसके अंदर एक ग्राफ तो आएगा टेबल का एज पॉइंट्स एंड द हाइट मॉडल्ड बाई द क्वेश्चन ऑन ए सॉलिड लाइन और जो इसके अलावा सेकेंड जो डाटा होगा वो होगा सॉलिड लाइन के जरिए जो कि हम इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे एड अ लेजेंड एंड लेबल द एक्सेस ओके फाइन तो हम लॉजिस्टिक फंक्शन को चेक करना चाह रहे हैं क्या ये हमारा सही प्रडिक्शन uh, कर सकता है ये जो जो ऊपर गिवन हमारे पास पॉइंट्स हैं टेन टू सेवेंटी क्या इन पॉइंट्स के करीब तर होता है इसके अंदर कितना एरर होता है तो इस तरह हम लॉजिस्टिक फंक्शन जो हमने बनाया हुआ है अगर हम खुद बना रहे हैं तो उसकी वेरिफिकेशन हो सकती है यहाँ पर एक और बात भी आएगी कि एक्सपेरिमेंटल डाटा और जो एक हम एकशन के लिए डे फंक्शन uh, बनाते हैं उसमें थोड़ा बहुत स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस या एरर की मार्जिन ज़रूर होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा में चीज़ें थोड़ा बहुत चेंज हो सकती हैं क्योंकि ह्यूमन एयर पर डिपेंड करता है ज़मीन जो है उसकी सॉइल पर डिपेंड करता है किस तरह हमने सन प्लान uh, सनफ्लावर का जो प्लांट है उसकी देखभाल की है खाद वगैरह सही डाली है कि नहीं डाली ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं उस पर हाइट के ऊपर असरअंदाज होते हैं Uh, तो इसलिए जब भी हम कोई फंक्शन या मॉडल बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो उसके लिए हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल डाटा पे डिपेंड नहीं करते हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंटल डाटा इकट्ठा करते हैं और देन उसकी फंक्शन की वेरिफिकेशन की जाती है तो सबसे पहले जब हमने ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें टाइम को पहले बताना पड़ेगा तो से टी फॉर टाइम चल हम टी कैपिटल लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा के लिए और स्मॉल टी जो है वो हम फंक्शंस के लिए यूज़ कर लेंगे तो टी इज फ्राम टेन टू सेवेंटी टेन का इंक्रीमेंट लगा लेते हैं दिस वन एंड नेक्स्ट जो है हाइट का हमें वैक्टर दोबारा बनाना पड़ेगा सो so, अच्छे इक्वल टू अब चूँकि इसके अंदर कोई हमारे पास रिलेशन नहीं है या हमें हाइट जो है वो दिखने में नज़र आ रही हो कि कितने इंक्रीमेंट के बाद चीज़ें चल रही हैं तो इसलिए हम इसे इंडिविजुअली पुट कर लेंगे नाइन ट्वेंटी टू फोर्टी फोर थ्री एटी नाइन्टी फोर एंड नाइन्टी सेवन ओके फाइन नेक्स्ट जो हमने फार्मूला कैलकुलेट करना है फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए या तो हम टाइम जो, जो है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा वाला ही यूज़ कर सकते हैं लेकिन इस तरह हमारे पास सिर्फ सेवन पॉइंट्स आएंगे और यूजली फंक्शन जो है वो सेवन पॉइंट्स पर इतना स्मूथ नहीं होता है उस पर एजिज़ बन जाएंगे इसलिए बेटर यही होगा कि आप जो है टाइम इंटरवल को थोड़ा सा एक्सपें मज़ीद डिवाइड कर लें इससे जो है ग्राफ ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और लेकिन उस इंटरवल को हमने ऐसा डिवाइड करना है कि ये जो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी पॉइंट्स है ये भी उसके अंदर मौजूद हूँ तो से मैं टेन से सेवेंटी तक जो है इस इंटरवल को हंड्रेड पॉइंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली इन पॉइंट्स के अंदर जो ये जब टेबल के अंदर डाटा सारा मौजूद है ये भी ज़रूर काउंट होगा ओके जब मैंने लाइन इंटरवल बता दिया अब इसके ऊपर हमने हाइट को कैलकुलेट करना है से स्मॉल है इक्वल टू और अब हम यहाँ पर जो लॉजिस्टिक फंक्शन वाला फार्मूला है उसको लिख लेंगे वन हंड्रेड एंड एट पॉइंट डिवाइड बाय वन प्लस ट्वेंटी थ्री स्टैरिक एक्सपेंशल के लिए हम exp okay, ये यूज करेंगे एंड देन माइनस जीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन थ्री टी ओके भी हमने सेव कर लिया ओके okay, क्योंकि हमारे पास जो है ये अरे मल्टीप्लिकेशन अरे एग्जीक्यूशन होनी है फार्मूले की तो हमें डॉट जरूर लगाना चाहिए था डिवीजन के साथ बेशक जो शुरू में है वो कांस्टेंट हो या कोई वेरिएबल हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब भी डिवीजन यूज़ हो रही है और आपका जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर जो है वेरिएबल आ जाए तो आपको फिर ऊपर जो है डिवीजन के साथ हमेशा डॉट लगाना पड़ेगा नेक्स्ट आगे चलते हैं अब इनकी प्लॉटिंग की तरफ तो प्लॉट आप दोनों को पेयर्स को आराम आराम से कर लें टी एंड एच कम स्मॉल टी कमा एच ये जो टेबल वाले पॉइंट्स हैं वो कम है सेवन तो इनको हम एज ए मार्कर स्टाइल में अप्लाई कर लें तो ये हमें ज़्यादा वाजिया हो जाएंगे क्योंकि हमने तो इनकी एरर चेक करनी ना कि कितना हमारे जो फंक्शन वाला फार्मूला है उसके थ्रू जो ग्राफ बन रहा है उससे कितना इसका डिफरेंस आ रहा है तो इट विल बी बेटर कि हम इसे जस्ट जो है मार्कर स्टाइल में लिख लें दैट विल बी हमें स्टार्स चाहिए तो से एस दिस इज आवर मार्कर स्टाइल और कलर उसका ऑटोमेटिक ब्लू और जो लाइन है टी एच वो सॉलिड लाइन में चली जाएगी इसको मैंने मार्कर्स में क्यों लिखा द रीज़न इज़ दिस कि इस तरह इसका कर्व नहीं बनेगा जैसे हमारे पास डाटा पॉइंट्स आ जाएंगे कर्व होगा तो वो ओवरलैपिंग भी हो सकती है दूसरे ग्राफ के साथ और मेनली कर्व के जो बाकी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर तो हमने कैलकुलेशन की नहीं हुई डाटा पॉइंट्स तो सिर्फ हमारे पास टेंथ टू सेवेंटी है इस वजह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं कि हमें डाटा पॉइंट्स यूज़ करने चाहिए तो लेट्स सी इसको हम प्लॉट को एक्जीक्यूट करते हैं सो दिस इज़ योर कमांड वी है स्केर्स और अगर हमें स्टेरिक्स चाहिए तो हम स्टेरिक्स भी लगा सकते हैं स्टार्स के लिए तो देट शुड बी स्टार्ट बेटर सो दिस इज योर प्लॉट मज़द हमें इसके ऊपर लेजेंगे लगाने या लगाने तो वो भी हम लगा लेते हैं कि एक्स लेबल विल भी एंड लेबल विल भी हाइट एंड नाउ दोनों ग्राफ्स में चूंकि हमें बताना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो फंक्शन का है और कौन सा इसे कह सकते हैं कि डेटा हमारे पास टेबल फॉर्म का डाटा उसका ग्राफ है तो उसके लिए हमें लेजेंस लगाने पड़ेंगे तो लेजेंट आप फर्स्ट को कह लें एक्सपेरिमेंटल डाटा and the second will be uh, logistic function डाटा आप कह सकते हैं या yeah, logistic model भी कह सकते हैं लेकिन logistic function भी हम कह सकते हैं या डाटा लिखने की भी जरूरत नहीं है just हम short experimental एक्सपेरिमेंटल logistic function से भी गुजारा कर सकते हैं so अगर आप देख लें तो ये देखें राइट साइड पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा एंड लॉजिस्टिक फंक्शन आ गए लेकिन यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि हमारे ग्राफ के ऊपर ही जो लेजेंड्स का वाला बॉक्स है वो भी आ गया तो वन वेज इज़ के आप जो है इसको जैसे तो ड्रैक करें और आप इसे लेफ्ट पर पुट कर लें या सेकेंड अगर हमने बाइक कमांड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं बाइक कमांड कैसे किया जाएगा से मैं इसको दोबारा वापस रख देता हूँ तो आपको जस्ट एक कमांड ऐड करनी पड़ेगी दैट विल बी लेजेंट यह हमसे दोबारा ऊपर शॉर्ट की से लिख लेते हैं एंड कॉमा लोकेशन दैट शुड बी इन स्ट्रिंग एंड चूंकि हमने इसे लेफ्ट साइड पे मूव करना है तो उसका एड्रेस होगा नॉर्थ वेस्ट दैट्स इट तब देखें जो लेजेंड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आ गया ये इधर केस जरूरी है कि जो हम लेजेंड है ये सफेद वाइट पोर्शन के अंदर ही रखे हम एक्सिस से बाहर भी लेकर जा सकते हैं जैसे अगर हम इसे अंड्रैक करना चाहें तो लाइक like दिस लेकिन बाय कमांड भी हम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जस्ट अबव कमांड एंड हम चाहते हैं कि हम नॉर्थ वेस्ट से थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द एक्सिस करते दें तो हम यहाँ पर जस्ट लिखेंगे आउटसाइड ओके okay. तो यहाँ पर जो है आउटसाइड स्पेलिंग दो तो कहते हैं आउटसाइड तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो ग्राफ्स ये जो लेजेंड है ये आपका बाहर की तरफ आ जाएगा तो कीप इन माइंड के जो स्पेलिंग्स हैं को आ, कमांड्स के लिए वो बिल्कुल ठीक रहें अगर हल्के से भी एक गलती होगी तो यहाँ पर एरर आ जाएगा तो यू कैन अगेन चेक कि जो कमांड हमने लिखे क्या वो ठीक लिखे क्या नहीं तो अगर आपने जो लेजेंड है उसको आपने एक्सेस से बाहर लेकर जाना है अव्वल तो इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी लेकिन कभी कभी ग्राफ्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो फिगर पैन है उसके अंदर आ जाते हैं कि उसके अंदर लेजेंड लगाने की जगह ही नहीं रहती तो फिर हमें मजबूरन जो लेजेंड्स है उसे बाहर लेकर जाना पड़ता है तो उसके लिए जस्ट हम कौन सी मर्जी एड्रेस के ऊपर आप लेजेंड लिखना चाहते हैं जैसे यहाँ पर हमने लिखा नॉर्थ वेस्ट आप जस्ट उसके साथ आगे एक्स्ट्रा कमांड लिखें आउटसाइड तो फिर वो एक्सेस के बाहर चला जाएगा ये ग्रा देखने में ग्राफ थोड़ा सा थो शॉर्ट हो गया लेकिन अगर उसे एक्सपेंड करके देखेंगे तो ये सेम एज इट इज़ ही है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू लेट्स सी सबसे पहले तमाम पिछले वेरिएबल्स हम खत्म कर लेंगे द वोल्टेज वी सी ये किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में क्वेश्चन है तो वोल्टेज रिकॉर्ड्स वोल्टेज वी सी टी सेकेंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इन द सर्किट इज़ शोन इन द सर्किट शोन इज गिवन बाय वी सी इक्वल वी नाट वन माइनस ई की पावर टी ओवर आर और सी ठीक है जी कोई एक सर्किट है जिसके अंदर टी सेकेंड्स के बाद जो स्विच को क्लोज करने के बाद जितनी वोल्टेज आती है वो हम इस फॉलोइंग फार्मूला से निकाल सकते हैं करना क्या है हमने तो प्लॉट वी सी एज ए फंक्शन ऑफ टी ओके फाइन टी इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी सी इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल इंटरवल इज़ जीरो टू फिफ्टीन सेकेंड लेवल द एक्सेस ओके यानी कि नीचे जो है एक्स एक्सेस की तरफ आ जाएगा टी टाइम एंड वाई एक्सेस पे आ जाएगा हमारे पास वोल्टेज वी नाट जो है वोल्टेज इनिशियल दैट इज़ थर्टी सिक्स फोर आर रजिस्टेंस इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ओ हम एंड कैपेसिटेंस इज़ ट्व हंड्रेड माइक्रो हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आपने यूनिट्स का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो यूनिट्स जब मेटला में या फार्मेशन हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर तो ये जो यूनिट्स हैं माइक्रो वगैरह या मेगा वगैरह इनके साथ हम उनकी वैल्यू लिखेंगे यानी कि कपैसटेंस जो है इट इज़ नॉट ट्वेल्व हंड्रेड इट इज़ ट्व हंड्रेड इंट टेन एज टू पावर माइनस सिक्स जो कि माइक्रो यूज़ हुआ तो सबसे पहले हम टाइम टेबल लिख लेते हैं विच इज़ लेंस स्पेस ज़ीरो टू फिफ्टीन चूँकि ग्राफ हमें स्मूथ चाहिए से टू हंड्रेड और डाटा पॉइंट्स हम यूज़ कर लेते हैं नेक्स्ट हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होंगे दैट विल वी नॉट तो वी एंड स्को जीरो विच इज़ इक्ल टू थर्टी सिक्स फाइन रजिस्टेंस आर इज ट्वेंटी फाइव ओह ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ओह मैं यहाँ पर तमाम वेली स्मॉली यूज़ कर रहा हूँ कैपेसटेंस इज इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स ओके माइक्रो लिखने का एक्स्ट्रा ये भी है लेकिन ज़्यादातर जब आप टेन की पावर इसमें यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल ट्वेल्व हंड्रेड ई माइनस सिक्स भी लिख सकते हैं इट इज़ अ शार्ट कट तो लैब ऑटोमेटिकली इसे टेन रेस्ट टू तो पावर माइनस सिक्स में कन्वर्ट कर देगा तो जब आपने बहुत ज़्यादा टेन की पावर्स लिखना है जिसका बहुत ज़्यादा अगर यूनिट्स में माइक्रो आ जाए तो आप वैल्यू ई माइनस सिक्स ई थ्री वट एवर पॉजिटिव है या नेगेटिव है आप उसमें लिख सकते हैं इसका मीनिंग वही होगा जो टेन रेस्ट टू पावर माइनस सिक्स का होगा अब चलते हैं हम um, फार्मूला के लिए तो उसे वी अंडरस्कोर सी चूँकि उधर उसके सब्सक्रिप्ट में सी आया हुआ दैट इज इक्वल टू वी अंडर स्कोर नॉट ब्रैकेट दैट मीन मल्टीप्लीकेशन ओके वन माइनस एक्सपिनशियल ई एक्स पी माइनस टी डिवाइडेड बाय आर स्टैर सी ठीक हो गया। अब आगे क्या हमने करना है प्लॉट करना है तो प्लॉट सी कॉमा टी कुछ हमें बारे में नहीं बताया गया था सिंपल ग्राफ है फाइन सो दिस इज योर ग्राफ एंड नो सॉरी देखो हमने गलती कर दी जो टी है डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी बिफोर सो टी एंडर स्कोर तो का जल्दी में ये गलती हो सकती है तो काइंडली मेक श्योर sure इसका ध्यान रखें हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल पहले आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल बाद में आप देखें तो ग्राफ की शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई है अब आगे चलते हैं एक्स लेबल दैट वाज टाइम एंड वायबल वाज वोल्टेज आप उसे बी भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी है टाइटल उसने कहा नहीं लेकिन आप लिख सकते हैं वोल्टेज आफ्टर टी सेकेंड्स ऑफ क्लोजिंग द सर्किट डन और यहाँ पर एक और चीज़ देखना कि जो एक्स एक्सिस है वो तो सिंपल स्केल है जीरो टू फिफ्टी लेकिन जो वाई एक्स है वोल्टेज वाला उसकी जो वैल्यूज है दीजिए टेन एक्स टू पाव माइनस फोर तो ये हमने गलती नहीं खानी कि यहाँ पर से वन लिखा हुआ है ये एक्चुअली वन इन टू टेन एक्स टू पाव माइनस फोर इसको हम चेक कर सकते हैं डेटा पॉइंट से देखें तो यहाँ पर भी वैल्यूज आ रही है एट पॉइंट नाइन सेवन ई की पावर माइनस फाइव तो इस चीज़ का कारण ध्यान रखिएगा